भागलपुर नगर निगम प्रशासन के द्वारा भीषण ठंड से बचाव को लेकर जरूरतमंद लोगों को दिए जाने वाले कंबल मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। नगर निगम प्रशासन की उदासीनता के कारण ठंड में गरीब जरूरतमंद लोगों को दिए जाने वाले कंबल के खरीद की प्रक्रिया अब तक शुरू भी नहीं हो सकी है, जिससे आक्रोशित भागलपुर नगर निगम के उप महापौर राजेश वर्मा ने कहा कि 15 फरवरी तक नगर निगम प्रशासन के द्वारा जरूरतमंद लोगों को बीच कंबल का वितरण नहीं किया गया तो गर्मी में इस वर्ष कंबल लोगों को नहीं देने दिया जाएगा। इस दौरान उप महापौर नगर निगम प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते भी दिखे। उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन कंबल खरीद के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, साथ ही राजेश वर्मा ने खुद के पैसे से जरूरतमंद लोगों को कंबल मुहैया कराए जाने की बात भी कही। हम आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से भागलपुर नगर निगम प्रशासन के द्वारा ठंड से बचाव को लेकर गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है, लेकिन पिछले वर्ष ठंड में के वजह गर्मी में ही लोगों को कंबल नसीब हुआ था। पावर्ड बाय मंदी किचन, इंडिया की बिगेस्ट मल्टी प्रीमियम ब्रांड ऑफ फूड डिलीवरी। श्री इवेंट, अ कंप्लीट इवेंट प्लानर। मेरे लोग खरीद के प्रक्रिया में आते हैं और उसके बाद जो है फरवरी में या मार्च में देने का काम किया जाता है। तो जब ठंड ख़त्म ही हो जाएगी तो फिर जनता के लिए कंबल मार्च में ख़रीदने का मतलब है कि पदाधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं उस कंबल खरीद में फिर हड़बड़ी करते हैं और उसमें भ्रष्टाचार जो है उसमें कहीं ना कहीं संलिप्त होता है। तो इसीलिए यदि इस बार ठंड में ही जनवरी और 15 फरवरी तक यदि कंबल वितरण का कार्य नहीं होगा, वितरण का कार्य खरीद प्रक्रिया भी शुरू नहीं है, मैं वितरण की बात कर रहा हूँ कि यदि नहीं होगा तो इस बार कंबल खरीद के लिए नगर निगम से मैं कंबल खरीद चाहता हूँ कि कंबल यहाँ से फिर खरीदने की प्रक्रिया नहीं, यदि हो तो टाइम पर हो। और जितने भी शहर के वैसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको कंबल की आवश्यकता है, हम लोग अपने तरफ से कंबल वहाँ पर घूम कर बांटने का काम करेंगे, उनको देने का काम करेंगे, जो राहगीर है उनको देने का काम करेंगे, वो हम लोग अपने तरफ से फिर देने का काम करेंगे। ये भ्रष्टाचार हर साल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। कंबल खरीद के नाम पर ये लोग हर बार जो है विलम्ब करते हैं और विलम्ब करने के बाद जो है एंड टाइम पर फिर जो कंबल 100 रुपये की है 150 रुपये की उसको 200 रुपये 250 रुपये तक का बिलिंग बना कर देने का काम करते हैं। तो जनता का पैसा है, कोई इसको इस तरीके से बंदर बांट करने के लिए नहीं है। ऐसा कहाँ लगता है, क्या नीति में कहाँ गड़बड़ी? कोई नीति में गड़बड़ी नहीं है। जब आप एकदम टाइम पर कोई काम को करेंगे, जब आपको मालूम है कि हर बार ठंड नवंबर में आ जाती है, नवंबर लास्ट तक आ जाती है, तो आपको नवंबर में सारी चीज़ों की प्रक्रियाएं पूर्ण करके रखनी चाहिए। लेकिन क्योंकि जब तक वहाँ पर टाइम पर ये लोग पूरी प्रक्रिया को नहीं करते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि कुछ कंबल यहीं लोकल ख़रीदते हैं, कुछ कंबल जैम पोर्टल से ख़रीदते हैं, कुछ कंबल जो है जो बिलो प्राइस निकालता है उससे ले लेते हैं। तो ये लोग अपना ही मीरा भगत इनका है, वही एक दो कंपनी एजेंसी है जो अलग अलग नाम से ये लोग बार बार लेने और देने का काम करते हैं। तो यदि कंबल सही में ख़रीदना है तो बाकायदा टेंडर प्रक्रिया होकर जो L1 है उसको देकर जैम पोर्टल और ये वो जो भी प्रक्रिया है, जो सरकारी प्रक्रिया है, जो नियमानुकूल है, उसको उसके तहत ही पूरा करना चाहिए और उसके तहत ही जो है लोगों को ससमय मिलना चाहिए। यदि समय पर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पदाधिकारी और कर्मचारियों की मिली भगत है, वो चाहते ही नहीं है कि पहले से ये सारी प्रक्रियाएँ पूर्ण हों। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।